हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन फ्रेंकैसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत क्विक और इजी है, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें एक अंडा तोड़कर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 बड़े चम्मच पार्सली या हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच चेडार चीज़, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। इस बैटर से हम अपने चिकन को कोट करेंगे। आप एक चिकन ब्रेस्ट का पीस लेंगे और इसे बीच से कट करेंगे, इसे बटरफ्लाई कट भी कहते हैं, कुछ इस तरह से। अब हम इसे सेलोफेन शीट से कवर करते हुए किचन हैमर से फ्लैटन करेंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाए। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल और 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। अब हमने जो चिकन प्रेस का पीस लिया था उसे हम मैदे से कोट करेंगे। अब हम इसे तैयार मैरिनेशन में करेंगे, इसे अच्छे से चारों तरफ से कोट हो जाए। चेडर चीज़ और हमने जो अंडे का जो मैरिनेशन तैयार किया था, अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए सौते करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे। ये हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या चाहें तो आप इसके लिए हम आगे सॉस तैयार करेंगे। अब सेम पैन में हम 1 छोटा चम्मच लहसुन डाल रहे हैं और उसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसमें 1/2 कप चिकन स्टॉक डालना है और 1/2 कप ही ऑरेंज जूस। हमें फ्रेश ऑरेंज जूस यूज़ नहीं करना है। इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और इसे चिकन के ऊपर डाल देंगे। ऊपर पार्सली या हरा धनिया से गार्निश करेंगे। लीजिए, हमारा ऑरेंज जूसी चिकन फ्रेंकैसे रेडी है। अब मैं आपको इसको काट कर दिखा रही हूँ कि अंदर से भी ये काफ़ी अच्छा और मॉइस्ट और जूसी है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।